भानु प्रतापपुर इलाके में कोरोना के मरीज मिलने से गांव वालों में दहशत फैल गई है। इसके आपको इलाके के गांव में आम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे परेशानी भी होने लगी है। कांकेर जिले को राजनांदगांव और महाराष्ट्र से जोड़ने वाली सड़क के 10 किलोमीटर क्षेत्र में सैकड़ों हरे पेड़ काटकर ग्रामीणों ने रास्ता बंद कर दिया है, जिससे आवागमन बंद हो गया है। बड़ी कठिनाई से साइकिल और मोटरसाइकिल निकल रही है। रास्ते से गुजर रही एक महिला ने बताया कि वो 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर आई है और उसे 8 किलोमीटर और आगे जाना है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये क्षेत्र वन विकास निगम का इलाका है, परंतु बड़ा सवाल है कि कोरोना से बचाव के लिए हरे भरे पेड़ों को काटना कहां तक उचित है। संक्रमित मरीज मिलने के बाद कांकेर जिले में हड़कंप सा मच गया है। ग्रामीणों में इस कदर दहशत फैली है कि उन्होंने महाराष्ट्र और राजनांदगांव जिले को कांकेर से जोड़ने वाली मुख्य मार्ग को पेड़ गिराकर बाधित कर दिया गया है। इस पूरे मार्ग में लगभग 50 से अधिक इमारती एवं अन्य प्रजाति के पेड़ों को गिरा दिया गया है, जिससे पर्यावरण का संकट भी फैल गया है। जागरूकता जो कोरोना को लेकर होनी चाहिए वह तो इस इलाके में है, पर पर्यावरण का सत्यानाश कोरोना को लेकर कितना मुश्किल पैदा करेगा, यह बड़ा सवाल है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए राजकुमार दुबे, भानु प्रताप। भारत सरकार की